नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं workervoice.in। अगर आप दिल्ली में काम करते हैं तो आपके लिए एक हमारे पास गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ यह है कि हर दीपावली से पहले आपको बोनस दिया जाता है। और आपके बोनस के बारे में सरकार की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आ रही है, और ये बेसिकली उनके लिए है जो कि सरकारी विभाग जो कि दिल्ली सरकार के अंदर आता है, और उसमें MTS के रूप में काम करते हैं, DEO के रूप में काम करते हैं, या फिर ड्राइवर के रूप में काम करते हैं, उनके लिए है। और ऐसे तो बोनस एक्ट के अंदर जो भी कर्मचारी आते हैं, जो कि दिल्ली में अलग अलग फैक्ट्री है, कोई दुकान है, या फिर कोई अन्य होटल है, जो कि जिसमें कि कम से कम 20 या 20 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं, और कम से कम उनका सैलरी 21,000 है। इसके साथ ही आपने अगर फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 30 दिन से ज़्यादा काम किया है तो आपको बोनस मिलना चाहिए, और इसके लिए भी मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि दिल्ली सरकार के अंदर जो अलग अलग सरकारी विभाग है उसमें काम करने वाले DEO, MTS या फिर ड्राइवर के लिए सरकार की तरफ से कितना बोनस के रूप में प्रपोजल दिया गया है, उसकी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, आपके सामने एक नोटिफिकेशन दिखा रहा होगा जो कि दिल्ली सरकार ने मैनेजर ICSIL जो कि एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है जिसके थ्रू दिल्ली के अलग अलग विभागों में कर्मचारी काम करते हैं, उसको लिखा गया है, और ये 18/9/2019 को जारी किया गया है, और इसमें बोनस के बारे में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। इसमें रिगार्डिंग बोनस ऑफ DEO, MTS एंड ड्राइवर फॉर ईयर 2018-19, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में जिन्होंने काम किया है, और जो अलग अलग विभागों में डाटा एंट्री ऑपरेटर, MTS और ड्राइवर के रूप में कार्यरत हैं उनके लिए है। और आप इसमें देख सकते हैं इसमें कितना बोनस आपके लिए प्रावधान किया गया है, आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इसमें आप देख सकते हैं 1/4/2018 से लेकर के 30/9/2018 तक आपका जो रेट होगा बोनस का 13,896 रुपये के हिसाब से, और 1/10/2018 से लेकर के 31/3/2019 तक इन्होंने 14,000 का स्लैब दिया है। और ये जो है MTS के लिए है, अगर आप MTS के रूप में काम करते हैं तो। इसके अलग आप देखेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर और ड्राइवर का अलग रेट दिया हुआ है 1/4/2018 से लेकर के 30/9/2018 तक 16,858 रुपया, और आप देखेंगे 1/10/2018 से लेकर के 31/3/2019 तक 16,962 रुपया। इस तरह से आप देख सकते हैं ICSIL को ये लेटर भेजा गया है और उनको बिल रेज करने के लिए बोला गया है, और इस रेट के हिसाब से जिसका जितना वर्किंग डे है। और ये लेटर जारी किया गया है अनीता राणा जो कि डिप्टी लेबर कमिश्नर एडमिन है, उन्होंने जारी किया है 18/9/2019 को। तो ये जो लेटर है आपके कॉन्ट्रैक्टर के पास भेजा गया है। आपका कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, आपका वर्किंग जो होगा पिछला फाइनेंशियल ईयर का मतलब 1/4/2018 से लेकर के अभी 31/3/2019 के बीच में आपने जो काम किया होगा, जितने दिन काम किया होगा, उसके हिसाब से आपको बोनस दिया जाता है। और रेट आपने यहाँ देख लिया है, और इसके अलावा भी बाकी जो लोग भी दिल्ली में काम करते हैं या फिर देश के किसी भी कोने में काम करते हैं, और बोनस एक्ट के हिसाब से जो जो बोनस के लिए एलिजिबल हैं उनको बोनस मिलना चाहिए। अगर आप बोनस के हकदार हैं तो आप बोनस का मांग करें। और इसके लिए हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है बोनस के बारे में, कब कितना किनको बोनस मिलना चाहिए। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, और आपका कोई भी सवाल हो बोनस से संबंधित तो उसी में जाकर के आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमने एक और वीडियो बनाया था कि आप बोनस का कंप्लेन किस तरह से करें, आपने उसको भी नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों वीडियो का लिंक आपको दे दूँगा, वहाँ जा करके देख सकते हैं। और ये इसके बाद जो प्रोसेस होगा वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ। इसके बाद क्या होगा, आपका जो ठेकेदार होगा आपका बिल रेज करेगा, बिल रेज होने के बाद फिर आपके विभाग को भेजा जाएगा। थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि क्या होता है ना, बोनस जो है हर हाल में दीपावली तक आपको मिल जाना चाहिए, ऐसे 8 महीना तक होता है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के 8 महीना के अंदर मिलना है, तो दीपावली तक बेसिकली सभी लोगों को दे देते हैं। और एक तरह से समझिए आपके लिए खुशखबरी है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आप भी में से एक साथी ने दिया तो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए, और आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और आप कोशिश करें इसको अधिक से अधिक लोगों तक बताने की, क्योंकि अगर आप बताएंगे नहीं, उनको पता नहीं होगा, तो उनको हो सकता है विभाग ना दें। और इसीलिए
इस पर आप ध्यान रखें, ध्यान इसलिए रखें क्योंकि बिल जब जाएगा तो बिल जाएगा तो आपका जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रेक्टर है, वो क्लेम करेगा और क्लेम करके उनको पैसा मिल जाएगा, फिर वो आपके अकाउंट में पैसा डालेंगे। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताएंगे। अगर आपका कोई सवाल होगा तो वो सवाल भी आप लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।